हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण कुमार आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जी, मैं आज आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पांचवा क्लास लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक है IUPAC सिस्टम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अच्छा अर्थात क्रियाशील मूलक के नामकरण IUPAC सिस्टम में, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आने वाला है, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। IUPAC सिस्टम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये जानेंगे पहले कि IUPAC सिस्टम क्या होता है। IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, यानी किसी भी यौगिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामकरण करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने, कई देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक संघ बनाया और उसमें कुछ नियम दिया गया, उसी को कहा जाता है IUPAC सिस्टम, यूपैक सिस्टम शॉर्ट में कह सकते हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपाउंड का नाम करना है ताकि उसका नाम जो है सो पहचानने में कई देशों में आसानी हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्काइल ग्रुप। मैंने पिछला भी जो वीडियो बताया है कि एल्काइल का IUPAC एल्केन होता है, और सभी एल्केन पर ही सभी क्रियाशील मूलक का नामकरण होता है। तो इसीलिए सबसे पहले एल्काइल हम आप लोग को बता चुके हैं, एल्काइल ग्रुप, और इसका सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड, इसको R से डिनोट करते हैं। इसमें n बराबर 1 रखते हैं तो होता है CH3, इसका नाम मिथाइल, C2H5 इसका नाम इथाइल, C3H7 इसका नाम प्रोपाइल, C4H9 इसका नाम ब्यूटाइल, C5H11 इसका नाम पेंटाइल। इस प्रकार हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल चला जाएगा, सबको एक साथ क्या कहेंगे, एल्काइल। इसका IUPAC जो होता है वह एल्केन होता है, एल्काइल का IUPAC जो होता है वह एल्केन होता है, और इसी एल्केन पर जो है सभी क्रियाशील मूलक का IUPAC सिस्टम डिपेंड करता है। तो एल्केन का IUPAC होता है CnH2n+2, इसमें n बराबर, जिस प्रकार इसमें n बराबर 1, 2, 3 रखिएगा, उसमें भी n बराबर 1 रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं। तो मिथाइल है, तो मिथाइल का IUPAC जो होगा मीथेन होता है, CH4 मीथेन। इथाइल का IUPAC C2H6 इथेन। प्रोपाइल का IUPAC जो होता है वह प्रोपेन होता है, प्रोपेन। ब्यूटाइल का IUPAC जो होता है वह ब्यूटेन होता है। पेंटाइल का IUPAC जो होता है वह पेंटेन, पेंटेन होता है। हेक्साइल का IUPAC हेक्सेन, यानी टोटल एल्काइल का IUPAC जो होता है वह एल्केन होता है। तो आपको IUPAC सिस्टम में नामकरण करने के लिए आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ एल्केन याद रखना है। 1 कार्बन वाला एल्केन मीथेन, 2 कार्बन वाला एल्केन इथेन, 3 कार्बन वाला एल्केन प्रोपेन, 4 कार्बन वाला एल्केन ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन, 6 कार्बन वाला एल्केन हेक्सेन, 7 कार्बन वाला हेप्टेन, 8 कार्बन वाला ऑक्टेन, 9 कार्बन वाला नोनेन, 10 कार्बन वाला एल्केन डिकेन। यानी 10 तक आप एल्केन याद रखना है, उसके बाद आप चुटकी में जो है वो आप जो है किसी भी
कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में नाम तुरंत लिख सकते हैं। बस एक छोटी सी याद करना है आपको, 10 एल्केन, यानी आपसे बस यही पूछा जाएगा कि एक कार्बन वाला एल्केन, दो कार्बन वाला एल्केन, तीन कार्बन वाला एल्केन, चार कार्बन वाला एल्केन। उसके बाद जो है सभी जो क्रियाशील मूलक जो होते हैं उसका नाम आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्रियाशील मूलक है, फंक्शनल ग्रुप है आपका हैलोजन। तो चलिए हैलोजन का नोमेनक्लेचर करते हैं। चलिए तो हम जानते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन, ये दूसरा क्रियाशील मूलक है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन को एक से सूचित करते हैं, इसके अंतर्गत आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये आता है। तो इसका रूल है, हैलोजन के नामकरण करने के लिए हैलोजन को हैलो में बदल देते, इसके बाद बचे कार्बन के संगत के एल्केन को लिख देते हैं। बस यही रूल पर है, यानी ये हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्या है, हैलोजन है, इसको एक से सूचित करते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्लोरीन है तो इसको हैलो में बदल देंगे, यानी क्लोरीन है तो इसको क्लोरो में से क्लोरो में बदल दिए, ब्रोमीन है तो इसको ब्रोमो में बदल दिए, आयोडीन है तो इसको आयोडो में बदल दिए, फ्लोरीन है तो इसको फ्लोरो में बदल दिए। तो ये सभी हैलोजन है, यानी एक्स को हम कौन सी बदल दिए है, सबको हैलो में। उसके बाद जितना बचेगा कार्बन उसका संगत के एल्केन को लिख देना। यहां पर ध्यान दीजिए CH3, इसमें हैलोजन Cl है। तो कॉमन नेम तो आप इसको मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम लिखते थे, लेकिन हमको लिखना है IUPAC में इस कंपाउंड का नाम। तो इसका कंपाउंड का नाम IUPAC में कैसे हो जाएगा, ये पहले हैलोजन को हैलो में बदल दीजिए, यानी क्लोरीन है ना हैलोजन, इसको कौन सी बदल देना है, क्लोरो में, क्लोरो में बदल दिए। उसके बाद बचे कार्बन, इधर क्या कार्बन बच गया, एक कार्बन, उसके एल्केन को लिख देते, एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, मीथेन, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। आई बात समझ में, तो चलिए इसका नाम आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, C2H5Br, C3H7I, CH3CH2CH2CH2I, इसका भी नाम कर सकते CH3CH2CH2CH2Br। चलिए इसका नाम आप लोग बता सकते हैं, ये सभी जो है वह हैलोजन है। पहले जानिए यह हैलोजन के क्या रूप में, क्या ब्रोमीन है, तो इसको कौन सी बदल देंगे, ब्रोमो में, BROMO, ब्रोमो। उसके बाद इधर क्या हो कार्बन है, दो, दो का एल्केन क्या होता है, इथेन, इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन। चलिए इसका नाम क्या होगा, आयोडीन को कौन सी बदल देंगे, आयोडो में। उसके बाद इधर कार्बन कितना है, तीन, तीन का एल्केन प्रोपेन, इसका नाम हो गया आयोडो प्रोपेन। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आयोडीन है हैलोजन के रूप में, आयोडो, इधर कार्बन कितना है, एक, दो, तीन, चार, चार का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन, इसका नाम हो गया आयोडो ब्यूटेन। चलिए इसमें देखिए, इसमें ब्रोमीन है तो ब्रोमीन हैलोजन है, इसका IUPAC क्या होगा, ब्रोमीन को बदल दीजिए ब्रोमो, इधर कार्बन एक, दो, तीन, चार, चार का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन, इसका नाम हो गया ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस प्रकार जो है आप हैलोजन को नामकरण कर सकते हैं। आपके पास यदि और कोई हैलोजन हो जिसका नामकरण आपको नहीं आता तो कमेंट में बता सकते हैं, आपका प्रश्न का आंसर मैं जरूर दूंगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप जानते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का नामकरण, इसका संकेत OH होता है। तो इसका रूल क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका रूल होता है एल्कोहल के नामकरण के लिए इसके यौगिक में उपस्थित कुल कार्बन के संख्या के संगत के एल्केन में से घटाओ ई, जो OL कर दिया जाता है, अर्थात OH रहेगा तो एल्कोहल तो होगा ही, तो उसका नामकरण करेंगे तो जितना कार्बन रहेगा उस यौगिक में उसका एल्केन लिखेंगे, और उस एल्केन में से घटाना है ई और जोड़ना है OL। तो चलिए जानते हैं इसका नाम कैसे होती है, यहां पर एक हम एग्जाम्पल भी दे देंगे आपको, जैसे CH3OH, कॉमन नेम मिथाइल एल्कोहल इसका होगा, कॉमन नेम इसका क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल, लेकिन हमको IUPAC लेवल में चलना है। तो इसमें इस यौगिक में कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन अभी क्या होता है बताया हूं,
मीथेन। एक कार्बन का एल्केन होता है मीथेन। रूल क्या है यहां पर, ये रूल है देख लीजिए, रूल को हम अंडरलाइन कर देते हैं। रूल है घटाओ ई जोर ओ एल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, मीथेनॉल, CH3CH2OH। इसका क्या नाम है, इसमें कितने कार्बन है, एक दो, दो का एल्केन क्या होगा, इथेन। इथेन रूल क्या है, घटाओ ई जोर ओ एल, इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। आई बात आ गई होगी समझ में। चलिए तो इसका नाम आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। तो इसका भी नाम आप लोग बता सकते हैं, CH3CH OH CH3। हाँ देखिए इसमें कार्बन कितना, एक दो तीन, तीन का एल्केन क्या होगा, प्रोपेन, PROPANE घटाओ ई जोर ओ एल, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉल। चलिए इसका नाम देखिए, एक दो तीन, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल टू, दो नंबर है, या दो को आप पहले भी लिख सकते हैं, दो प्रोपेनॉल। इसका नाम देखिए, एक दो तीन चार, चार वाला क्या होता है, ब्यूटेन घटाओ ई जोर ओ एल, इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। इस प्रकार जो है एल्कोहल के नामकरण होता है। फिर से रूल पढ़ लीजिए, लिख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, स्क्रीन को रोक करके आप इस रूल को कॉपी पर लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और चौथा नॉमिनिकलेचर बताते हैं, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड ग्रुप का नामकरण। एल्डिहाइड का संकेत CHO होता है, इसका रूल आप देख सकते हैं। एल्डिहाइड के नामकरण के लिए इसके यौगिक में उपस्थित कुल कार्बन परमाणुओं के संख्या के संगत के एल्केन में से घटाओ ई जोर ए एल कर दिया जाता है। तो चलिए इसका नाम बता सकते हैं आप लोग, HCHO, इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड है। इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका नाम IUPAC में करना है। तो रूल है यहां पर देख सकते हैं कि इसमें कुल कार्बन, कुल कार्बन क्या है, एक, तो एक का एल्केन क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। उसमें से क्या करना है, घटा देना है या जोड़ देना है ए एल, इसका नाम हो गया मीथेनल। इसका नाम क्या हो गया, मीथेनल। एल्डिहाइड में ए एल और एल्कोहल में ओ एल। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूं, CH3CHO कॉमन नेम, तो इसका एसिटिक एसिड है, एसिटल्डिहाइड है, लेकिन IUPAC में इसका नाम करना, क्या कार्बन है, दो, दो का एल्केन क्या होता है, इथेन, घटाओ ई जोर ए एल, इसका नाम हो गया इथेनल। इसका नाम क्या हो गया, इथेनल। CH3CH2CHO इसका नाम क्या होगा, क्या कार्बन है, तेन। तो एक दो तीन, तीन का एल्केन क्या होगा, प्रोपेन घटाओ ई जोर ए एल, इसका नाम हो गया प्रोपेनल। यानी CHO से पहचानने की एल्डिहाइड है, CH3CH2CH2CHO। इसका नाम अगर करना है, क्या होगा कार्बन, एक दो तीन चार, चार वाला क्या होता है, ब्यूटेन। तो ये इसका नाम डायरेक्ट हम लिख देता हूं, ब्यूटेनल। तो चलिए दोस्तों हम एल्डिहाइड के नॉमिनिक्लेचर पढ़ लिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप पचमा का, पचमा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए अब जानते हैं नॉमिनिक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पचमा फंक्शनल ग्रुप है। इसके रूल हैं, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण के लिए इसके यौगिक में उपस्थित कुल कार्बन परमाणुओं के संख्या के संगत के एल्केन में से घटाओ ई जोर ओइक एसिड कर दिया जाता है। ये अंडरलाइन कर दिया हूं, एसिड कैसे पहचानेंगे, सी डबल ओ एच से पहचानेंगे। तो यहां पर देखिए HCOOH, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, समझे। तो इसका IUPAC में नामकरण करना है, तो नामकरण के लिए इसके यौगिक में कार्बन की संख्या को गिनती करेंगे। तो कार्बन की संख्या कितना है, एक, एक का एल्केन क्या होगा, मीथेन।
घटाएंगे ई या जोड़ेंगे ओइक एसिड, इसका नाम हो गया मीथेनोइक एसिड। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सी एच थ्री सी डबल ओ एच, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, लेकिन आईयूपीएसी में कितने कार्बन है, दो का एल्केन क्या होगा इथेन, घटाओ ई जोड़ ओइक एसिड, इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सी एच थ्री सी डबल ओ एच, सी एच थ्री सी एच टू सी डबल ओ एच, इसमें कितने कार्बन है तीन, तीन का एल्केन क्या होगा प्रोपेन, इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। उसी प्रकार जितने कार्बन होंगे उसका एल्केन लिखेंगे, उसमें से घटा देंगे ही और जोड़ देंगे ओइक एसिड, वही उसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी सिस्टम में। CH3, CH2, CH2, COOH, इसमें कितने कार्बन है चार, चार का एल्केन क्या होगा ब्यूटेन, तो ये होगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, तो चलिए अब जानते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, ये छठा नंबर का है यौगिक, तो इसका रूल होता है कीटोन के नामकरण करने के लिए इसके कीटोन के यौगिक में उपस्थित कुल कार्बन परमाणुओं के संख्या के संगत के एल्केन में से घटाओ ई जोड़ ओ एन ई कर दिया जाता है। जितने यौगिक रहे, यौगिक में जितने कार्बन रहेगा उसका एल्केन लिखना है और उसका रूल यही हुआ है घटाओ ई और जोड़ ओ एन ई। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, इसका नामकरण करना है, इसमें कार्बन कितना एक दो तीन, तीन का एल्केन क्या होगा प्रोपेन, लिख दो प्रोपेन, घटाओ ई जोड़ ओ एन ई, इसका नाम होगा प्रोपेनोन, यह हट गया, इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनोन। चलिए आगे की ओर बढ़िए, सी एच थ्री सी एच टू सी, आप इसका कमेंट करके नाम बता सकते हैं, आप लोग एक भी तो नाम बताइए, बताएंगे चलिए इसका नाम देखिए, इसमें कार्बन कितना एक दो तीन चार, चार का एल्केन क्या होता है ब्यूटेन होता है, घटाओ ई रूल देख लीजिए घटाओ ई जोड़ ओ एन ई, इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेनोन। आई बात समझ में, इसमें देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच वाला क्या होता है पेंटेन, घटाओ ई और जोड़ ओ एन ई, इसका नाम हो गया पेंटेनोन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कीटोन के नामकरण समझ गए होंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं हम, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और सातवां फंक्शन ग्रुप है आपका एमीन, तो एमीन नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन, एमीन तो हम अभी बताए हैं तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। एमीन के नामकरण करने के लिए दो नियम है, पहला नियम है पढ़ सकते हैं आप लोग, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एमीन के नामकरण करने के लिए इसके यौगिक में उपस्थित कुल कार्बन परमाणुओं के संख्या के संगत के एल्केन में से घटाओ ई जोड़ एमीन कर दिया जाता है, पहला रूल। और दूसरा रूल है एमीन के नामकरण करने के लिए एमीन को एमीनों में बदल देते हैं और बचे कार्बन के संगत के एल्केन को लिख देते, इसमें से कुछ करते घटाते उठाते नहीं कहे, जितना कार्बन रहेगा ओकर एल्केन को लिख देंगे, पहले एमीन को क्या करेंगे एमीनों में बदल देंगे, एमीनों में ओकरा बाद एल्केन को लिख देंगे। चलिए होता है हो गया, इसका हम बताते हैं कैसे होता है, तो सी एच थ्री एन एच टू, कॉमन नेम तो आप मिथाइल और एमीन लिखते हैं, लेकिन आईयूपीएसी में आप इसको दोनों नियम पर बना सकते हैं। तो चलिए पहला नियम पर इसका नाम बताते हैं, पहला नियम है एमीन के नामकरण करने के लिए इसके यौगिक में उपस्थित कुल कार्बन परमाणुओं के संख्या के संगत के एल्केन में से घटाओ ई जोड़ एमीन, इसमें कार्बन के कितना कार्बन है एक, एक का एल्केन क्या होगा मीथेन, घटाओ ई जोड़ एमीन, इसका नाम क्या हो गया मीथेन एमीन यानी मीथेनामीन, इस फर्स्ट रूल के अनुसार।
अगर कोई कहे सेकेंड रूल के अनुसार बनाएंगे तो चलिए बाबू सेकेंड रूल के अनुसार ही बनाइए। एमीन के नामकरण करने के लिए एमीन को एमीनो में बदल दीजिए, तो ये एमीन है ना, इसको एमीनो में बदल दीजिए, एमीनो में। अब बचे कार्बन के संगत के लिए क्या कार्बन है, एक एक कार्य के लिख दीजिए मिथेन। इसका नाम या तो ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ, एमीनो मिथेन या मिथेना मीन। चलिए दूसरा का नाम आप लोग लिख सकते हैं C2H5NH2। इसका नाम पहला रूल के अनुसार दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्केन इथेन घटाओ ई जोर एमीन, तो ये क्या हो जाएगा ETHN इथेन घटाओ ई जोर एमीन, इसका नाम हो गया इथेनामीन, इथेनामीन। इसका नाम हो गया पहला नियम के अनुसार इसका नाम हो गया इथेनामीन। चलिए दूसरा नियम के अनुसार अगर इसी का नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा एमीनो इथेन। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं नोमनिक्लेचर ऑफ इथर। इथर का नामकरण कैसे किया जाता है, इथर का संकेत होता है सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड ओ भी इसको जान सकते हैं। इसका रूल होता है इथर के नामकरण के लिए इसके यौगिक में उपस्थित एल्कॉक्सी समूह को लिखते हैं, इसके साथ जो एल्कॉक्सी होगा उसको पहले लिख देंगे और उसके बाद बचे कार्बन के संगत के एल्केन को लिखते हैं। तो ये एल्कॉक्सी क्या होता है वो जानिए, पहले आप लोग एल्काइल तो जानते ही हैं, ALKYL एल्काइल, इसको R से सूचित करते हैं, R से डिनोट करते हैं, CnH2n+1 होता है इसका सूत्र, ये होता है। इसमें एन बराबर एक रखने पर क्या होता है CH3, इसका नाम क्या हो गया मिथाइल, C2H5 इसका नाम क्या हो गया इथाइल, एन बराबर तीन रखेंगे तो C3H7 इसका नाम क्या हो गया प्रोपाइल, C4H9 इसका नाम क्या हो गया ब्यूटाइल, C5H11 इसका नाम क्या हो गया पेंटाइल। इस सब को एक साथ क्या कहेंगे एल्काइल, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब देखिए अगर इस मिथाइल में यदि ऑक्सीजन जुट गया, इधर ही मिथाइल है ऑक्सीजन जुट गया तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, अगर इथाइल में ऑक्सीजन जुट गया तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी, प्रोपाइल में यदि ऑक्सीजन जुट गया इसका नाम हो गया प्रोपॉक्सी, ब्यूटाइल में ऑक्सीजन जुट गया तो इसका नाम हो गया ब्यूटॉक्सी, पेंटाइल में जुट गया इसका नाम हो गया पेंटॉक्सी। अब देखिए यहां पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल सबको एक साथ क्या कहते हैं एल्काइल, तो उसी प्रकार मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपॉक्सी ब्यूटॉक्सी पेंटॉक्सी सबको एक साथ क्या कहेंगे एल्कॉक्सी, ओ आर से इसको क्या करेंगे इंडिकेट करेंगे, तो यही हुआ आपका एल्कॉक्सी, इसी का नाम पहले लिख देंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ये भी आप उतार सकते हैं, इसका नामकरण करना है OCH3CH3। अब देखिए ऑक्सीजन जो है इस मिथाइल से भी जुटा हुआ है और ऑक्सीजन इस मिथाइल से भी जुटा हुआ है, तो चलिए यहां पर तो दोनों बराबर है लेकिन कहीं कहीं जो है एक तरफ कम तो एक तरफ अधिक कार्बन की संख्या आ जाती है, तो कार्बन को हमेशा कम कार्बन वाला जो है ऑक्सीजन को हमेशा कम कार्बन वाला एल्काइल के साथ जोड़ देंगे, तो यहां बराबर है तो इसका नाम हो गया किसी के साथ जोड़ दीजिए इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, एल्कॉक्सी पहले लिखना है ना, तो पहले मिथॉक्सी, इधर कितना कार्बन बच गया इसको लिखने के बाद इधर कितना कार्बन बच गया एक, तो एक का एल्केन क्या हो गया मीथेन, इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। तो चलिए यहां पर देखिए C2H5O C2H5, इसका नाम क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, इसका देखो दोनों तरफ मिथाइल है तो ये हो गया इथॉक्सी इथॉक्सी। अब इधर देखिए इधर इथॉक्सी दे दिए इधर कितना कार्बन बच गया दो, दो का एल्केन क्या हो गया इथेन, इसका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। अब देखिए यहां पर ओ एक तरफ मिथाइल जोड़ दिए एक तरफ इथाइल जोड़ दिए, समझे। अब ये देखिए एक तरफ अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ेंगे तो मिथॉक्सी हो जाएगा, अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो इथॉक्सी हो जाएगा, तो जोड़ेंगे किसके साथ जिनमें कम कार्बन रहेगा, तो किनमें कम कार्बन है इसमें, तो इसके साथ जोड़ दीजिए इसका सब नाम हो गया मिथॉक्सी, इधर कितने कार्बन बच गया दो, दो का एल्केन क्या हो गया इथेन मिथॉक्सी इथेन। चलिए इसको आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
आप वीडियो को रोक करके ये उतार सकते हैं और आगे की ओर आप बढ़ते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला फंक्शन ग्रुप है आपका नौमा है, ये नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर सी डबल ओ आर होता है, जहां पर आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इसके जगह पर सी एच थ्री, सी टू एच फाइव, सी थ्री एच सेवन, सी फोर एच नाइन इत्यादि को रखा जा सकता है। तो ये सब को हम क्या कहेंगे? एल्काइल कहेंगे। तो इसका रूल है, ईस्टर के नामकरण के लिए पहले एल्काइल को लिख देते हैं, यानी आर के जगह पर जो जुड़ा हुआ रहेगा ना, उसका कॉमन नेम पहले क्या करेंगे? लिख देंगे। इसके बाद बचे कार्बन के संगत के एल्केन में से घटाओ ई और जोड़ ओ एट कर देते हैं। देखिए एक दफा सही जवाब, यहां पर सही जवाब से आप लोग दे सकते हैं सी डबल ओ आर, आर के जगह पर इसमें से जो मन है वो ले लीजिए, सी एच थ्री, इधर आप एच भी जोड़ सकते हैं। तो कॉमन नेम मिथाइल फॉर्मेट होता है, लेकिन हमको क्या करना है? आईयूपीएसी में इसका नाम देना है। तो आईयूपीएसी से नामकरण करने के लिए पहले एल्काइल को लिखिए। तो पहले एल्काइल यानी आर के जगह पर क्या जुटा हुआ है बाबू साहेब? मिथाइल जुटा हुआ है, लिख दीजिए मिथाइल। मिथाइल बचे कार्बन, यानी कयो कार्बन बच गया? एक। तो एक का एल्केन क्या होगा? मीथेन। नियम है घटा ई जोर ओ ए टी ई, इसका नाम हो गया मिथाइल मीथेनोएट, एकदम इजी। चलिए इसका नाम सी एच थ्री, सी डबल ओ सी एच थ्री, इसका नाम करना है। तो इसमें आर के जगह क्या जुटा हुआ है? मिथाइल, लिख दीजिए मिथाइल। इधर कितने कार्बन है? दो, देख लीजिए दो कार्बन है, दो के दो कार्बन का एल्केन इथेन, घटा ई जोर ओ एच टी ई, इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट। आ गई होगी समझ में? सी टू एच फाइव, सी डबल ओ सी टू एच फाइव, इसका नामकरण आप कर सकते हैं। इसमें राइट साइड से, राइट साइड एस्टर है तो राइट साइड से नामकरण करेंगे। तो राइट साइड क्या है? इथाइल, लिख दीजिए, लिख दीजिए इथाइल। इधर कितने कार्बन है? तीन, तीन का एल्केन क्या होगा? प्रोपेन, घटाओ ई जोर ओ एटी, तो प्रोपेनोएट, इसका नाम हो गया इथाइल प्रोपेनोएट। आ गई बात समझ में? ये आपका नौवां फंक्शन ग्रुप है। अब आपका दसवां फंक्शन ग्रुप आते हैं मैं लेकर के, एमाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हम जानते हैं दसवां फंक्शन ग्रुप है आप लोगों का नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। तो एमाइड का नामकरण नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे हो की जाती है वो जानिए। एमाइड के नामकरण के लिए इसके यौगिक में उपस्थित कुल कार्बन परमाणुओं के संख्या के संगत के एल्केन में से घटाओ ई जोर एमाइड कर दिया जाता है। यहां पर देखेंगे जैसे कि सी डबल सी ओ एन एच टू एमाइड है, अगर इसमें जोर देते हैं एच, ये फॉर्मामाइड तो कॉमन नेम होता है आईयूपीएसी का। इनमें कार्बन कितना है? एक, एक का एल्केन है मीथेन, घटाओ रूल है ई जोर एमाइड, इसका नाम हो गया मीथेनामाइड। आ गई बात समझ में? उसी प्रकार आप इसका नाम कर सकते हैं सी एच थ्री सी ओ एन एच टू, इसमें कितने कार्बन है? दो, दो का एल्केन क्या हो गया? इथेन, घटाओ ई जोर एमाइड, तो क्या हो जाएगा? इथेनामाइड। इथेन होगा, घटा दिए ई या जोड़ दिए एमाइड, तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ एन एच टू, इसका नाम भी आप लोग बता सकते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एन एच टू। इसमें कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, तीन का एल्केन प्रोपेन, घटाओ ई जोड़े एमाइड, तो हो गया प्रोपेनामाइड। इसमें देखिए एक, दो, तीन, चार, चार का एल्केन क्या होगा? ब्यूटेन, ब्यूटेनामाइड। तो चलिए दोस्तों, अगर इससे ज्यादा फंक्शन ग्रुप आप लोगों को जानना है तो प्ले स्टोर में जाकर के आप फंक्शन ग्रुप का वीडियो देख सकते हैं, उसमें करीब 20 से 25 फंक्शन ग्रुप पढ़ाई गई है। ये मैट्रिकुलेशन के लिए है, मैट्रिकुलेशन के लिए इतना ही काफी है। तो चलिए मैं ये वीडियो को अब समाप्त करता हूं।
फिर मैं अगले दिन एक नया टॉपिक लेकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेकर के आऊंगा। तो तब तक जो है सो इस वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रॉब्लम है तो कमेंट भी बताइए, और अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। जी धन्यवाद, थैंक यू।